दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों जब इस समय प्राची को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि रणबीर प्राची को बचाने की इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि दोस्तों प्राची भी रणबीर को बचाने के लिए आई थी। आप लोग जानते हैं कि रणबीर और प्राची का इस जज्बातों को देखकर अब अक्षय को पूर्ण रूप से शक हो चुका है कि मानो या मत मानो ये दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब से कन्फर्म नहीं था लेकिन अब कहीं ना कहीं कन्फर्म हो चुका है और कन्फर्म होने के बाद में अक्षय सबसे ज़्यादा सस्पेंस में नज़र आ रहा है कि आखिरकार इन दोनों में अभी तक इतना गहरा प्यार कैसे हो सकता है। क्योंकि अक्षय जहां पर सोच रहा था कि रणबीर तो यहां पर मीका के लिए आया है लेकिन अब उसे शक हो चुका है कि ये मीका के लिए नहीं बल्कि ये प्राची के लिए ही आया है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीका से आतंकवादी ने अटैक किया था और उस अटैक में प्राची ने रणबीर का दिल खोल कर साथ दिया है और रणबीर ने भी यही रणनीति अपनाई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रणबीर ना कभी पीछे था और ना कभी पीछे होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि प्राची उसके लिए बहुत कुछ मैटर करती हैं और वो प्राची के लिए वाकई में कुछ भी कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी सफलता देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नहीं बल्कि समय कई अलग अलग ट्विस्ट भी आते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से अक्षय बोलता हुआ नज़र आएगा कि प्राची अगर तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम अगर चाहो तो रणबीर के पास जा सकती हो, जिसके बाद में प्राची यही बोलती नज़र आएगी कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं रणबीर के पास नहीं जाऊँगी बल्कि मुझे रणबीर को भुलाने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। लव यू गाइस।